हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्ट्रक्चर परफेक्टली सेट किया गया होता है, उसमें हर बंदे का क्या काम है वो लिखा होता है, हर बंदे की क्या अथॉरिटी है, क्या पार उसको दी जाएगी, क्या रिस्पॉन्सिबल है और वो किसकी किसको अकाउंटेबल है, वो सब कुछ उस स्ट्रक्चर में लिखा होता है एक फॉर्मल तरीके से। दैट इज नोन एज हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। refers to the organizational structure that is designed by the management to accomplish organizational objective। ऐसा एक organizational structure जो top management discover करते हैं या design करते हैं in order to accomplish organizational objectives, जो उनके objectives हैं उनको achieve करने के लिए। It specifies clearly the boundaries of authority and responsibility and there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational goal। ये specify करता है boundaries की, किस employee की, किस superior की, किस subordinate की क्या boundaries हैं, क्या authorities हैं, क्या responsibilities हैं, और एक systematic coordination होता है among different activities of the organization in order to achieve the organizational objective। Definition क्या कहती है? According to Lewis, System of well-defined job, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. According to Lewis, formal organization एक ऐसा well-defined system है jobs का जो बताता है कि हर किसी की job के साथ कितनी authority आती है, कितनी responsibility आती है और कितनी accountability आती है। फीचर्स क्या है? पहला फीचर है इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट इसको क्रिएट करती है। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जो फॉर्म में लिखे होते हैं उन्हीं पे बेस होती है। इट इज इम्पर्सनल, इसमें कोई भी इमोशनल एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ये हर इंडिविजुअल की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। एडवांटेज क्या है इसकी? इट क्रिएटेड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसको क्या किस लिए क्रिएट किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। एडवांटेज क्या है? ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप है और इमोशनल एक्सपेक्ट से बाहर है, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए ईजी रहता है। कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता है, क्योंकि वेल डिफाइंड प्लान के साथ इसको क्रिएट किया जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड होती है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स होता है इसीलिए। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में सबकी जॉब्स वेल डिफाइंड होती है, सबकी जॉब्स के साथ कितनी पार अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी आएगी वो भी डिफाइन होता है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इजीली अचीव हो जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज को अच्छे से जज किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है और उनके रूल्स उनको बताए जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। डिसएडवांटेज क्या है? सारा काम रूल्स के बेसिस पे होता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी डिले हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो जाता है। लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि हर तरह की ह्यूमन रिलेशनशिप को आप समझ नहीं सकते हो और एंटरप्राइजेस पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रक्चर और वर्क पे करती है। देयर इज नो फोकस ऑन द इमोशनल एस्पेक्ट्स, इसीलिए लिमिटेड स्कोप होता है। कम्युनिकेशन, इसका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो क्या है? ऑफिशियल होता है, कि अगर आपको टॉप लेवल से बात करनी है तो यू हैव टू गो टू योर सुपीरियर, देन योर सुपीरियर विल गो टू हिज सुपीरियर एंड हिज सुपीरियर विल गो टू टॉप मैनेजमेंट। तो ये ऑफिशियल चैनल है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, तो ये इसकी क्या होती है? डिसएडवांटेज होती है। आई होप आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।